नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एक्सपी चैनल पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस क्लास की PDF आपको ज्ञान एक्सपी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जाइमेक्स 2022 का कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया है? तो इसका छठा संस्करण अभी आयोजित किया गया है। ये अभी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, 11 सितंबर को आयोजित किया गया है। अच्छा, ये जाइमेक्स, तो जाइमेक्स क्या होता है? तो जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज। अच्छा, भारत और जापान के बीच में कितनी तरह के एक्सरसाइज होते हैं? तो ये हैं जाइमेक्स एक हो गया, धर्मा धर्मा गर्जन और स्नेयु मैत्री, स्नेयु काजिन और मालाबार एक्सरसाइज। दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड देशों के बीच होता है, और क्वाड में है चार देश, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और US। दोस्तों अभी जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अच्छा, जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और जापान की करेंसी है एन। जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं फूमिया किसदो। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एम दुरई स्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। दोस्तों राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और केवला देव घाना पक्षी विहार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चार विवादित प्रांतीय द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर है रूस। अभी रूस ने चार विवादित द्वीपों की मुफ्त वीजा यात्रा समाप्त कर दी है। अब रूस, तो रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस की कैपिटल है मॉस्को, और रूस की करेंसी है, दोस्तों रूस की करेंसी है रूबल। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष छोड़ देने की घोषणा की है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता अभी रूस बना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सितंबर 2022 में बेस्ट एक्टर का एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो बेस्ट एक्टर का एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई अभिनेता बने हैं ली जुंग जे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो जापान में भारत के अगले राजदूत बने हैं शिबी जॉर्ज। दोस्तों राजेश वर्मा को हाल ही में द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है, और संजय वर्मा को कनाडा का
राजदूत बनाया गया है और पी के त्यागी को अभी भारतीय जहाजरानी के सीएमडी पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीवी जॉर्ज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन अभी कोलकाता में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी कोलकाता में भी हुआ है। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डोरंड कप भी कोलकाता में शुरू हुआ है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के अभी गवर्नर हैं, अभी पश्चिम बंगाल के जो पुराने गवर्नर थे वो थे जगदीप धनखड़, जिनको हटा करके अभी यहाँ पर नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो नए गवर्नर हैं ला गणेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। दोस्तों, यह छात्रवृत्ति 1971 युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों के लिए दी जाएगी। अच्छा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बने हैं तमीम इकबाल। वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश की खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को भारत में भी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। विश्व जूनियर तैराकी का आयोजन अभी पेरू के लीमा में चल रहा है और 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर पहुंची हैं अपेक्षा फर्नांडिस। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को अभी नियुक्त किया है? तो रिलायंस रिटेल ने जसप्रीत बुमराह को अभी परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, हाल ही में कुछ और ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए हैं जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। अभी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, A2 गेमिंग के बने हैं शाहरुख खान, और बिहार खादी के बने हैं मनोज तिवारी, कृषि नेटवर्क ऐप के बने हैं पंकज त्रिपाठी, और उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने दिशा पाटानी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर है लद्दाख। और आज का क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें से सही आंसर बताना है।
दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप इस क्लास को पूरा देखा करिए और इसकी PDF आप डाउनलोड करके शाम को एक बार रिवाइज ज़रूर किया करिए ताकि करंट अफेयर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।